वैदिक होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि समस्त वेदों का ज्ञान ही वैदिक ज्ञान है। शिवलिंग की पूजा से जुड़े बहुत से नियम बताए गए हैं, आज हम आपको कुछ ऐसे ही नियमों के बारे में बता रहे हैं। पहला नियम है, शिवलिंग की पूजा कभी जलधारी के सामने से नहीं करनी चाहिए। दूसरा नियम है, शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जलाधारी को लांघा नहीं जाता। तीसरा नियम है, शिवलिंग पर हल्दी या मेहंदी ना चढ़ाएं, क्योंकि यह देवी पूजन की। चौथा नियम है, शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पांचवा नियम ये कहता है, शिवलिंग पर कभी तांबे के बर्तन से दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। छठा नियम है, शिवलिंग की पूजा करते समय मुंह दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। और सातवां नियम है, पूजा करते समय शिवलिंग के ऊपरी हिस्से को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी तरह वैदिक होम रेमेडीज के अगले एपिसोड में हम आपके लिए आयुर्वेद से जुड़ी घरेलू और रोचक जानकारियाँ लेकर वापस आएंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वैदिक ज्ञान को बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।